बड़ी बैड न्यूज़ है टू बी ऑनेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि यू हैव टू गेट ऑल द थिंग्स राइट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. ये वाला पॉइंट है कि आपकी स्टूडेंट वीज़ा 500 सब क्लास के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं. हेलो हेलो हेलो, कैसे आप लोग सब? आई होप सब कुछ बढ़िया होगा. आज थोड़ा चेहरा उतर गया मेरा क्योंकि आज बहुत बड़ी बड़ी बैड न्यूज़ है टू बी ऑनेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक अपकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. और आज बाय सरप्राइज मेरे पास टाइम था और ये आज ही न्यूज़ आई है और सरप्राइजिंगली मैं आज वीडियो बना रहा हूँ. सो टू मी एज वेल, क्योंकि मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, बट फर्स्ट हैंड न्यूज़ आज मैं आपको दे रहा हूँ. और इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी न्यूज़ आई है, सो बहुत सारी डिटेल्स वगैरह बाकी हैं. सो अगर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी सो आई विल फॉर श्योर मेक अ वीडियो ऑन इट एज वेल, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या और अपडेट्स आई हैं. सो अभी के लिए जो न्यूज़ है वो बात करते हैं. प्रेजेंटेशन एज यूजुअल रेडी है. आज के ना बहुत अच्छा होगा प्रेजेंटेशन बनाने में. टीवी लगा लेता हूँ. अप्रैल 7th फ्राइडे है आज और आप देख ही रहे हो कि मैं फुल स्लीव्स में आ चुका हूँ. सो पीपल हु आर कमिंग टू सिडनी ऑन स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, वर्किंग हॉलीडे वीजा, एनी वीजा, मेक श्योर स्वेटशर्ट आपके पास हो क्योंकि ठंड थोड़ी स्टार्ट हो गई है. So, मैं क्रोमकास्ट कर दिया, आपने देख ही लिया. बैड न्यूज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. बैड न्यूज एक्चुअली बहुत बड़ी है क्योंकि अभी तक के लिए बहुत कंफर्ट जोन में थे हम सब. सो बैड न्यूज इज यू कांट चेंज योर कोर्स आफ्टर योर एनरोलमेंट. इफेक्टिवली आफ्टर 1st July 2022 आप अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते हो. इसका मतलब ये है कि यू हैव टू गेट ऑल द थिंग्स राइट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. यू हैव टू थिंक इट थ्रू. क्या ये कोर्स मेरा PR रिलेटेड है? क्या ये कोर्स मेरा हायर एजुकेशन रिलेटेड है? क्या ये अच्छी यूनिवर्सिटी है? टन्स ऑफ क्वेश्चंस. वो सब यू हैव टू गेट इट राइट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड That is really difficult. See, I'll tell you the scenario. यहाँ पे दो टाइप के लोग आते हैं, जिनको PR नहीं चाहिए, जिनको PR चाहिए. जिनको PR नहीं चाहिए, they only focus on studies. जिनको PR चाहिए, they focus on studies, this focus on work, and they also focus on PR. Parallel सब कुछ चलता रहता है. मेरी पुरानी videos में भी आप लोग देख सकते हो कि क्या struggle of life है, क्या struggle of studies plus job. So, कुछ स्क्रीनशॉट्स ऑफ माय रिसर्च के, हाँ, ये मैंने कुछ रिसोर्सेज भी लिए हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए कि दीज थिंग्स आर लेजिट और ये सब लोग अब बात करनी स्टार्ट कर रहे हैं. देन ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो इन अदर वीडियोस, इन अदर व्लॉग्स एज वेल ऑफ डिफरेंट चैनल्स. सो की पॉइंट्स में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लिए मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए. इंसर्ट्स अ कंडीशन फॉर 500, अलाउ अ कैंसिलेशन ऑफ वीजा, न्यू रूल्स, दिस विल अप्लाई टू द फॉलोइंग सब क्लासेस, दैट इज 500 वीजा. और कंडीशन कौन सी है? 8204. की पॉइंट्स, न्यू कंडीशंस 8204A, 8204B ऐड हो गई है. स्टूडेंट वीजा की कंडीशंस अभी नेक्स्ट टैब में मैं आपको ऑफिशियल इमी अफेयर्स की वेबसाइट में दिखाता हूँ कि कौन सी कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट वीजा में. मेन पॉइंट्स मैं पहले कवर कर लूँ. दिस इन्वॉल्व्स ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरेट. कैंसिलेशंस विल बी डिस्क्रिशनरी फॉर सर्टेन प्रोटेक्शन एंड ब्रिजिंग वीजाज. अनचल जितने भी डिग्रीज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, आप चाहे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आप चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, यू हैव टू स्टिक इनटू वन कोर्स इन दैट सेम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. सो अब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि मैंने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन, क्या ये मेरे लिए भी है, क्या मैंने ये वाला कोर्स देखा था यहाँ पे और मैं वहाँ पे वो वाला कोर्स देखना चाहता हूँ, ये कोर्स यहाँ पे आकर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे वीजा मिल गया है. सो ये सब क्वेश्चंस ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि अभी तक बहुत लोग ऐसे थे जो कोर्स चेंज करते थे. AQF is Australian Qualifications Framework. So basically that tells you कि number of levels 1 to 10 कौन से level की आपको education मिल रही है. So this new visa condition, they tell you कि AQF level 7 पे अगर आपने visa लिया है, so you can't jump down to AQ5, AQ4. So अगर आपने masters in कुछ लिया है, so आपको bachelor's करना है, आपको graduate certificate या diploma करना है, so you can't do that anymore. एक और major point आता है कि लोगों को colleges के बारे में ज़्यादा नहीं पता है. अगर मैं आपको बोलता हूँ Stotts College, Charles Sturt College और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था. यहाँ पे आकर फिजिकली लोकेशन देखकर कि हाँ अच्छा ये वाला कॉलेज भी है, वो वाला कॉलेज भी है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू एक्चुअली डोंट नो व्हेन यू आर स्टडीइंग इन अनदर कंट्री एंड ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू नो. यू डू योर रिसर्च कि हाँ ये कॉलेजेस अवेलेबल है, क्या ये कॉलेज अच्छा है, क्या ये कॉलेज नहीं अच्छा, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है. इट ऑल बॉयल्स डाउन टू दैट. सो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल डिसीजन रहेगा आप लोगों का अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो आफ्टर जुलाई 2022, बिकॉज यू जस्ट हैव
have to stick to one course, one university and one or one college. Next point आता है कि cancellations will be discretionary for certain protection या bridging visas. कि अगर आप इस bridging visa पे हो, आपने already submit कर दिया है, so क्या आपके ऊपर cancellation लगेगी, क्या नहीं लगेगी? Discretionary है, इसका मतलब ये है कि ministry approve, ministry review करेगी आपका, और आपका अगर legit reason हुआ, valid reason हुआ, so they will approve it. ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा depressing video है, but थोड़ी सी good news भी है. Change from doctorate to masters is allowed. Same AQF levels changes allowed. Will not affect already submitted applications. और जैसे कि last में लिखा है, more to come. So आज ही information आई है. So this is completely new information. Developments जैसे मैंने बोला है, कोई developments आती है तो मैं आपको एक और video बनाऊँगा updates के लिए. Next government की official website पे information कहाँ है? मैं वो भी दिखा देता हूँ. Immigration Department of Home Affairs, check visa details and conditions. अगर आप नीचे जाके यहाँ पे select करोगे, जो मैंने आपका point मैंने बताया था कि मैं आप बाद में cover करूँगा, so ये वाला point है कि आपकी student visa 500 sub class के अंदर क्या-क्या conditions होती हैं. So let's type in 500. ये सारी conditions are pretty much the same. Fortnight काम करना, work restrictions, maximum 3 months study, course requirement, ये वो जो नई add हुई है. So that is 8203 limited study change, 8204 study limitations. So पहला है, it says you must not change your course of study, thesis or research topic without the approval of minister. Clearly mentioned है. This approval can only be given after the minister has obtained an assessment from competent Australian authorities that you are not likely to be directly or indirectly a risk to Australian national security. अगर आपको change करना है, आप if you feel like you've got a valid reason, then information आपके सामने है. Form 1221 भरो, adelaidestudentcenter@homeaffairs.com.gov.au पे email करो. Tell them all the course details and your valid reason. They will process your application. The next one is 8204 study limitations. क्या बोलता है वो? You must not undertake or change your course of study, thesis, research topic without approval of minister for a graduate certificate, diploma, degree, masters or doctorate or any bridging course required as a prerequisite for a course of study, research for master's degree or doctorate. पढ़ा भी सकते हो, but मैं वो भी बता रहा था. See migration regulations 1994, ये आप देख सकते हो, migration act 1958. अब next करते हैं. हाँ, अब next आता है department of home affairs, your study situation has changed. So department of home affairs ने pretty much बहुत easy कर दिया है, questionnaires बना दिए हैं, और ये सबसे ज़्यादा common questions हैं. You want to change courses, you're no longer studying or going to your course, you finish your course early, you need to defer your course due to compassionate or compelling reasons, or you want to change your welfare arrangements. Let's do the first one. So next question आता है कि क्या आप अपना education provider change करना चाहते हो? कि अगर आपने Macquarie University में admission ली है, क्या आप चाहते हो कि आप Monash University या University of Melbourne जाओ? मैं करता हूँ yes. Next question आता है, क्या semester आपने complete कर लिया कि नहीं किया, छुट्टे include करके? I can say yes, subclass 500, yes. So अब ये क्या बोलता है, if you change courses, provider will let us know, you don't have to tell them, you do not need to send us a form or update your IMEI account. You will need a new student visa if you want to change your main course study to a lower or a non-AQF course. Non-AQF is like diploma and all stuff. Lower is again masters, PhD से masters, masters से bachelors. और कहाँ पे apply नहीं करना, same or higher AQF level, or you are changing course from AQF level 10 doctoral to 9 master's degree, then you don't need to apply for a new visa. Ab next dekhte hain, you're no longer studying or going to your course. Saaf likha hua hai, you might be breaching your visa conditions if you have stopped attending your classes, not started your course of study. So apply for a new visa. Agar aapko padhna hai sara, to main link description mein dal dunga, ye sab kuch apne end pe padh lena hai, but main cheez maine wo cover kar di hai. Next is aapka course jaldi khatam ho gaya, you finish of course early, so they might cancel your visa. The next one is defer. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि first semester में admission ले लिया, उसके बाद second semester defer कर लिया, 6 महीने के लिए छुट्टी कर ली और पूरा time काम किया, फिर second semester की पढ़ाई start करी. So this is how they also operate. बहुत सारे मेरे friends ने भी किया था. So उसमें भी लिखा हुआ है कि education provider must give you a letter of absence of for compassionate or compelling reasons. आपकी application अगर approve होती है तो minister level पे they won't cancel your visa, but अगर वो approve नहीं होती और फिर भी आपने defer कर लिया, consider taking the student visa being getting cancelled, वो मत करना. पढ़ाई करने आए हो तो पढ़ाई करो. एक और चीज है, COE क्या होता है, confirmation of enrollment. So education provider आपका visa cancel नहीं करेगा, आपका ECOE cancel करेगा.
अगर उसको लगता है कि आपने रूल्स वगैरह फॉलो नहीं किए एंड यू आर ब्रीचिंग एनी ऑफ द स्टूडेंट वीजा कंडीशंस, सो दे विल कैंसिल योर सीईओई. वंस दैट इज कैंसिल्ड, ऑटोमेटिकली आपका वीजा भी कैंसिल हो जाएगा. ऑब्वियसली इमिग्रेशन को पता चल जाएगा कि आपका सीईओई कैंसिल हो गया, क्योंकि सीईओई के बेस पे ही आपको स्टूडेंट वीजा मिलता है. लास्ट वन इज यू वांट टू चेंज योर वेलफेयर अरेंजमेंट्स. आपका वेलफेयर अरेंजमेंट्स के, अगर आप बहुत छोटे हो, 16-17 साल के हो, और यू नीड अ गार्डियन टू एक्चुअली टेक यू थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ द होल स्टडीज, या फिर आपका 20-21 साल का आपको कोई रिश्तेदार यहाँ पे रह रहा है और वो ही इज टेकिंग केयर, उसने शो किया है कि ही इज अ सिटीजन, ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू, सो और वो डिसाइड करता है कि उसको कहीं और जाना है एंड ही इज लीविंग यू बिहाइंड, सो मस्ट हैव वैलिड रीजंस, देन दे विल डिसाइड वेदर योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड. अप्रूव हो गई तो अच्छी बात है, रिजेक्ट हो गई तो टाटा बाय बाय. थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, आप लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर्ड हो गए हो. अगर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है और आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, ऑब्वियसली होंगे, कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या चीज़ जाननी है, आप लोगों किस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड हो. सो आई एम हियर टू हेल्प यू. सो ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रिसर्च के साथ. नमस्ते.